नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से बोल रही हूँ। आज हम जिस समस्या का वार्ता करने जा रहे हैं वह है बार बार गर्भपात होना। जब पेशेंट मेरी क्लिनिक में आते हैं और पहला अबॉर्शन का उनको पता लगता है तो उनके लिए बहुत ही दुख का कारण बन जाता है। जब दूसरी बार अबॉर्शन का डायग्नोसिस पता लगता है तो वह सबसे पहले पूछते हैं कि इस बार क्या हुआ और आगे ऐसा ना हो उसके लिए कुछ निवारण बताएं। और तीसरी बार तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि ये हो क्या रहा है, वह साइकोलॉजिकली बहुत ही डाउन फील करते हैं। तो इसी विकट समस्या यानी कि बार बार गर्भपात पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो नॉर्मल कपल्स में भी अबॉर्शन का दर 10-15% होता है और दो बार अबॉर्शन का दर घट के 2% रह जाता है और बार बार गर्भपात यानी कि 3 या उससे अधिक गर्भपात केवल 1% कपल्स में ही होता है। इसलिए ये अच्छी न्यूज है कि बार बार अबॉर्शन की दर का दर कम है। आज मैं इस वार्ता में सबसे कॉमन 10 सवाल बार बार गर्भपात के बारे में जो मेरे से पूछे जाते हैं उनका निवारण करूंगी, उनका जवाब दूंगी। तो पहला सवाल ये आता है कि क्या मेरे लाइफस्टाइल से भी इसका संबंध है। हाँ, अवश्य ही आपके लाइफस्टाइल से बार बार गर्भपात होने का संबंध है। अगर आप अल्कोहल, ड्रग्स या फिर स्मोकिंग करती हैं तो आपके गर्भपात की दर 2 गुना ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ अत्यधिक चाय और कॉफ़ी यानी कैफीन का इंटेक करने वालों में भी देखा गया है कि गर्भपात की दर ज़्यादा होती है। और ये बात हमेशा याद रखें कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले फॉलिक एसिड की गोली, विटामिन B12 एवं विटामिन डी की के जो स्तर है वो बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। सो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप पाएंगे कि बार बार गर्भपात की समस्या कम हो जाती है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो है कि इसके कारण क्या है। अगर हम इसके कारण को समझने की कोशिश करें तो हमें सीड, सॉइल और एनवायरनमेंट का मॉडल लेना होगा। सीड यानी कि भ्रूण यानी कि स्पर्म्स और एग्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सॉइल यानी कि यूट्रस की रिसेप्टिविटी या फिर यूट्रस की झिल्ली की कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि फाइब्रॉइड्स या अंदर की चिपकन जिसे साइनिकी कहा जाता है या फिर जन्मजात डिफेक्ट्स जैसे कि यूट्राइन सेप्टम या यूनिकॉन्वेट यूट्रस में भी बार बार गर्भपात की दर बढ़ जाती है। और एनवायरमेंट मीन्स मदर का एनवायरमेंट जो कि डिपेंड करता है कि उन्हें उसे डायबिटीज़ या थायराइड की बीमारी तो नहीं है या फिर एक स्पेशल बीमारी जिसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कहा जाता है उससे माँ ग्रस्त तो नहीं है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कारण ढूंढकर उसका निवारण करते हैं। चौथा प्रश्न है कि क्या बच्चेदानी में जमजात डिफेक्ट्स भी बार बार गर्भपात का कारण बन जाते हैं। हाँ, बच्चेदानी में जन्मजात डिफेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम मेडिकल भाषा में मुलेरियन डिफेक्ट्स का कहते हैं। यह यूट्रस में सेप्टम के रूप में या पर्दे के रूप में नज़र आते हैं या फिर यूट्रस की शेप को डिफॉर्म कर देते हैं जैसे कि यूनिकॉन्वेट यूट्रस विद रूडिमेंट्री हॉर्न। इसमें केवल बच्चेदानी की एक तरफा बच्चेदानी ही बनी होती है, दूसरी तरफ की बच्चेदानी में एक रूडिमेंट्री हॉर्न होता है जो कि एक एक्स्ट्रा अपेंडेज होती है और यूजफुल नहीं होती है। या फिर बाइकॉन्वेट यूट्रस या फिर और भी टी शेप यूट्रस भी इसका कारण हो सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि यूट्राइन सेप्टम को हिस्टरोस्कोपिक सेप्टल एब्लेशन यानी कि लेजर से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा यूट्रस के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि फाइब्रॉइड्स। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर है जिसे सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहा जाता है या फिर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स का साइज अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उन्हें भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा
निकाल देना चाहिए, उससे भी बार बार गर्भपात से बचाया जा सकता है पेशेंट को। और अगर साइनिकी या चिपकन है तो उसे भी हिस्टरोस्कोपिक साइनिकी लाइसिस यानी कि हिस्टरोस्कोप से ठीक किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है कि क्या दोनों कपल्स में जेनेटिक डिफेक्ट होने पे भी बार बार गर्भपात हो सकता है? हाँ, ऐसा देखा गया है कि जेनेटिक डिफेक्ट्स भी बार बार गर्भपात का कारण बन सकते हैं। पहली ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस में देखा गया है कि बच्चे में 50% केसेस में कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, परंतु यह जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होते हैं जो उसी वक्त होते हैं जब बच्चा कंसीव किया होता है। परंतु जिनको बार बार गर्भपात हो रहा होता है उनके पेरेंट्स यानी कि दोनों पार्टनर्स में क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी जांच हम कैरियोटाइपिंग ऑफ बोथ द पार्टनर से कर सकते हैं। क्रोमोसोमल डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो नंबर में डिफेक्ट होता है या क्रोमोसोम्स की बनावट में ही डिफेक्ट होता है, और इस डिफेक्ट को हम कैरियोटाइपिंग से जांच सकते हैं। इसको जांचने का एक और विधि है, यानी कि जब दूसरी बार अबॉर्शन होता है तो भ्रूण के टिश्यू को भी कैरियोटाइपिंग के लिए भेजना जरूरी बन पड़ता है, जिससे हमें पता लगे कि उस तरह का क्रोमोसोमल डिफेक्ट अबॉर्टस में तो नहीं है। और अगर अबॉर्टस में ऐसा डिफेक्ट आता है तो फिर दोनों पेरेंट्स की कैरियोटाइपिंग कराना जरूरी बन पड़ता है। छठा प्रश्न जो बहुत ऑफन पेशेंट पूछते हैं कि क्या माँ के ब्लड में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज जिन्हें एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्या यह भी बार बार गर्भपात का कारण बन सकते हैं? हाँ, अवश्य ही। यह बहुत ही विकट समस्या है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस पहले तो करना ये ब्लड से करा जाता है, जिसको एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम पैनल कहा जाता है। इसमें इन एंटीबॉडीज का स्तर नापा जाता है। अगर ये एंटीबॉडीज हाई आती हैं तो पूरी प्रेगनेंसी में पेशेंट को लो डोज हेपरिन के इंजेक्शंस लगते हैं और साथ साथ बेबी एस्पिरिन भी दिया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रो थ्रोम्बस बन जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं इन एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज की वजह से, जो बच्चे की सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं और सर्कुलेशन को क्लॉक कर देते हैं यानी कि बंद कर देते हैं, और वह अबॉर्शन हो जाता है। इसलिए इनकी जांच करनी बहुत जरूरी है। सातवां प्रश्न जो बहुत ऑफन पूछा जाता है कि क्या हार्मोन की कमी भी बार बार गर्भपात का कारण बन जाती है? हाँ, ऐसा देखा गया है कि अगर शुगर की पेशेंट है या फिर थायराइड की बीमारी अनियंत्रित है तब भी ये बार बार गर्भपात का कारण बन सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस बीमारी में भी अंडा बनने की प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है, हार्मोन के स्तर बिगड़ जाते हैं और इन पेशेंट्स में भी गर्भपात का इंसिडेंस डबल हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो गर्भपात का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 40 की एज में गर्भपात का इंसिडेंस 40-50% हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि ओवरीज के हॉर्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं, ओवरीज की क्षमता अंडा बनाने की कम हो जाती है, और इसे सीरम AMH लेवल से हम जांच करते हैं और उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आठवां प्रश्न है कि क्या मेल फैक्टर की वजह से भी यानी कि मेरे पति के सीमन में भी कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं जो बार बार गर्भपात का कारण बन सकती हैं? शोध में पाया गया है कि अगर पुरुषों में DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स 30% से ज़्यादा होता है तो यह भी स्त्रियों में बार बार गर्भपात का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपके हस्बैंड को एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी बन पड़ता है ताकि इसका इलाज किया जा सके। इसके लिए 3 महीने तक एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल दिए जाते हैं और वेरिकोल सील अगर हो तो उस समस्या का भी निवारण करना ज़रूरी बन पड़ता है। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका निवारण क्या है, इस बीमारी का निवारण क्या है। तो ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो हमें इसका कारण जानना होगा और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट पहले से ही करना होगा। जैसे कि
अगर जन्मजात डिफेक्ट है, अगर सेप्टम है तो सेप्टम एब्लेशन करना होगा, अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो उन्हें निकालना होगा, अगर बच्चेदानी की झिल्ली में कोई साइनिकी या चिपकन है तो उसे हटाना होगा, कोई बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो उसे ठीक करना होगा। इसके अलावा आप अल्कोहल, ड्रग्स एवं स्मोकिंग से परहेज रखें, अत्यधिक कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा ना पिएं। इसके अतिरिक्त आप आयरन, फॉलिक एसिड, B12 और विटामिन B12 की गोलियां लेना शुरू कर दें। इसके साथ साथ ऐसा पाया गया है कि 40-50% केसेस में इसका कोई भी ठोस कारण नज़र नहीं आता, और ऐसे केसेस में हम हार्मोन थेरेपी या फिर इम्यून थेरेपी से ऐसे पेशेंट्स को ठीक करते हैं। हार्मोन थेरेपी में प्रोजेस्टेजन हार्मोन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। यह प्रोजेस्टेजन हार्मोन जैसे ही प्रेगनेंसी पता लगती है उसी समय शुरू कर दिया जाता है, और ये वेजाइनल रूट से दिया जाता है, ये अन्य रूट से भी, ओरली भी दिया जा सकता है, बट वेजाइनल रूट से इसके परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। हमारी भारतीय संस्था फॉक्सी ने भी इसका समर्थन किया है और यह प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। अगर एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम पॉजिटिव आता है तो लो डोज एस्प्रिन और लो डोज हेपरिन के इंजेक्शन पूरी प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं। पूरे 8वें महीने तक ये इंजेक्शन देना जरूरी बन पड़ता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है वो है एक गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। डॉक्टर पे पेशेंट का ट्रस्ट, वह बहुत ही अहम है पेशेंट को का मनोबल बढ़ाने के लिए और प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम आते हैं कि इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। अगर इसके लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इम्यूनोथेरेपी भी आजकल इसके लिए की जाती है, और IVF का भी बार बार गर्भपात में एक रोल है। बार बार गर्भपात वाले पेशेंट्स को IVF किया जाता है, और एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग से यह देख लिया जाता है कि जो भी एम्ब्रियो हम रख रहे हैं वह स्वस्थ हैं या नहीं, और केवल स्वस्थ एम्ब्रियोस को ही अंदर रखा जाता है जिससे कि अबॉर्शन की दर को कम किया जा सके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एशरे इस संदर्भ में बहुत काम कर रहे हैं, और उनका एस्टीम ट्रायल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, और वो काफ़ी संतोषजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और सही कारण को जानकर इस विकट समस्या का इलाज किया जा सकता है, और 80-85% केसेस में एक स्वस्थ बच्चा आपको बार बार गर्भपात के बाद भी मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब देंगे, और अपॉइंटमेंट के लिए भी नंबर अवेलेबल है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार।